अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, ये कुछ भाई पूछ रहे थे कि हम ब्लड सैंपल भी देते हैं ना बड़का, जब डीएनए करवाते हैं, तो ये भी मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जी। इसका ब्लड सैंपल ले जी, ये जो होती है ना वो शुगर वाली, ये होती है स्टिक सी, आगे इसकी ये देखें ज़रा, ये थोड़ा सा इसका ब्लड निकला है, ठीक है। ये कोई भी आप पेपर ले सकते हैं उसके साथ, ये देखें जी, ये लग गया, ठीक है। और इसके अंदर ही उसको हाथ नहीं लगाना, जहाँ पे उसका ब्लड लिया ना, ब्लड सैंपल लिया हमने, वहाँ पे आपने हाथ नहीं लगाना। एक तो ये हो गया डीएनए, फिर उसके अलावा ये देखिए आप, फैदर का भी साथ ही जाता है। एक तरफ से एक हमने ले लिया, अब दूसरे विंग की तरफ, अब दूसरी की तरफ से हम लेंगे एक और, ये दो फैदर हो गए, और अब ये इसकी टेल में से लेंगे, ये तीन। इसको हाथ नहीं लगाना आपने, ठीक है। अब ये देखें जी, बिल्कुल सील बंद कर दिया हमने। ये ग्रीन अप्लाइंस प्लेट ब्लू है, अब मेल है कि फीमेल वो बाद में पता चलेगा। और ये इसके तीन फैदर आ गए हैं, और एक इसका ब्लड सैंपल आ गया है। इस तरह ये ऑथेंटिक डीएनए होता है जी। इसी तरह ये हमारा तकरीबन दो तरीक़ों से हम डीएनए करवाते हैं। दो दफ़ा से हमें कंफर्म होता है कि अगर बाई चांस एक वजह से अगर ख़राब भी हो जाए, ना समझ आए फैदर की, तो ब्लड, जब ब्लड सैंपल से भी लिया जाता है और फैदर से भी लिया जाता है, तो दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो मसला आता है ना कि यार मेल है फीमेल निकला ही, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद है आप भाइयों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।